वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल स्ट्रीट कॉर्गीज। सो मैं आज जो इस दिल्ली मौज पुल एंड मौज पुल पर जैसे कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे मिला था दिल्ली कैफे एंड वहाँ पर बहुत कुछ चाइनीज आइटम्स होने वाला, पिज्ज़ा होने वाला, बर्गर होने वाला है, तो पास्ता वगैरह, मोमोज वगैरह सब कुछ होने वाला है, तो मैं एक बार ट्राई करूँगा। एंड जो प्राइस का मैं बताऊँ तो प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मेरे को लगा, तो मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। तो अभी जाके भैया से मिलते हैं, भैया से पूछते हैं मतलब ये कैसे स्टार्टअप करा था, इनका जो है प्राइस वगैरह जो है इतना ज़्यादा कम है, तो ये कैसे वो मैनेज करते हैं, वो सब चीज़ें हम पूछने वाले हैं। तो अभी चलते हैं दिल्ली कैफे। तो भैया आपका नाम जान सकते हैं? ऋतिक वर्मा जो है यहाँ पे, आप क्या करते हैं? ओके, ये इन्होंने स्टार्टअप करा, इससे पहले आपने कहीं पे जॉब करा या जिसमें आपने पहले कर सड़े हैं? ओके, मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, तो इनसे थोड़ा बच के ही बात करेंगे। तो ब्रदर आपने ये जो स्टार्टअप करा था यूट्यूब किस वजह से किया था? आपका एज क्या है? 22 के एज पे जो है कुकिंग के मामले में जैसे देखा जाए तो ना, अभी जो अडल्ट हैं वो सारे कुकिंग में नहीं जाते, एग्जांपल बता दो, कुकिंग में नहीं जाते सारे, वो मार्शल आर्ट जैसे आपने बताया था जिम वगैरह उस पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड बहुत कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब फुट में ये जो है स्टार्टअप करा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। तो भैया क्या क्या खाने में आपके पास होने वाला है, क्या क्या आइटम्स होने वाले? हमारे पास जो है फिलहाल अवेलेबल होगा पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच मैगी और ये समोसे की वैरायटी। ओके, समोसे की वैरायटी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले, तो समोसे की वैरायटी बहुत कुछ होने वाले हैं यार इसमें, जैसे कि आलू मटर पनीर समोसा, चाउमिन समोसा, चॉकलेट समोसा, पिज्ज़ा स्वीट एंड पास्ता, मलाई समोसा, प्याज पनीर समोसा, बहुत कुछ होने वाला है, वो सारे हम ट्राई करके बताने वाले हैं। एंड ईस्ट दिल्ली में होने वाला मौजपुर, आपका एड्रेस बता दें। ये मौजपुर में 155 नेहरू स्ट्रीट में आता है, तो मौजपुर जो मेट्रो स्टेशन है उससे सीधा मतलब लेफ्ट से आके इधर मॉडल चौक की तरफ आते हुए। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा यहाँ का लोकेशन शेयर कर दूँगा, यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, मैं भी आपको चेकआउट करके मैं आपको रेटिंग देने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं, अभी तो मेरे लिए भैया आप क्या स्पेशल खिलाने वाले हैं? मैं पिज्ज़ा बर्गर, तो पिज्ज़ा बर्गर ट्राई करते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। या आप खुद बनाते हो ये सॉस? हाँ, ये सब बनाते हैं, हमारी ये स्पेशल रेसिपी है। ओके, पिज्ज़ा बर्गर जिसने ट्राई करा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड कहीं और भी है इस रेट पे मिल रहा है तो ये क्या रेट होने वाला है भैया इसका? ये जो है आपका 50 रुपीज़ का होने वाला है। ओके, 50 रुपीज़ का मिलने वाला है एंड बाहर कहीं पर भी मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे गाइस। हमारे पिज्ज़ा बर्गर में भी काफ़ी सारी वेराइटी होती है, ये जो मैं बनाने वाला हूँ ये होगा पनीर पिज्ज़ा बर्गर। We'll be right back.
जैसे और जो फ्लेवर हैं उसमें थोड़े से स्पेशल इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके इस वाले में नॉर्मल है। ओके रेडी हो चुका है, अभी जाके हम चेक करने वाले हैं, तो अभी चेक करके आपको बताएंगे। सो गाइस हमारा जो है बर्गर अभी आ चुका है। इन्होंने जो बताया था पिज़्ज़ा बर्गर कुछ जो बताया था, इसका स्टफिंग देखो यार, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं ट्राई करके बताने वाला हूँ इस पर कि कैसे लगने वाला है, क्योंकि डिलीशियस तो लग रहा है मेरे को, क्योंकि कॉर्न ऑनियन पनीर वगैरह जो डाला हुआ है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। मैं एक बार बाइट कर लेता हूँ इसको। वाव। इसका लाजवाब टेस्ट है यार। फिर से मेरे ना मन भर नहीं रहा है, मैं फिर से खा के देखूँगा। बर्गर का जो स्टफिंग था, ठीक है, डाला हुआ था, कैप्सिकम हो या पनीर हो या कॉर्न हो, उसमें जो मसाला डाला गया है, जो ऑनियन है, वो सारा चीज़ ना गल चुका है, मतलब मेल्ट हो चुका है अंदर अंदर। मोज़रेला जो है ना, मोज़रेला तो भाई लाजवाब था, अमूल का मोज़रेला इसमें यूज़ किया गया है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा। अब जो है नेक्स्ट पिज़्ज़ा आने वाला है, मैं पिज़्ज़ा भी ट्राई करके आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, तो अब ये जाके हम ट्राई करने वाले हैं। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है एंड रेड चिली फ्लेक्स इन्होंने दिया है, एंड इसे मैं ट्राई करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे तो नहीं होता है, अब मैं ट्राई करके बताता हूँ। ओ भाई साहब क्या गर्म है यार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उसका पिज़्ज़ा का जो टक्कर है वो भाई ने रख दिया, इसमें भी बहुत कुछ उन्होंने ऐड नहीं करा, सेम चीज़ ही है, ठीक है, बट जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस चीज़ में। तो मैं एक और बाइट लूँगा इसमें। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इसका जो बर्गर का जो रेट था ये 50 रुपीज़ का था, ये जो पिज़्ज़ा होने वाला है वो 150 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को चीज़। तो ये वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, हमारे चैनल में सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगले कंटेंट पे आपको और भी अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फ्रॉम स्ट्रीट फॉर किस। बाय बाय।